हेलो एवरीवन, मैं हूं अफशा और आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं इंस्टेंट ब्रेकफास्ट की रेसिपी आपके लिए लाई हूं जो बहुत ही चटपटा और मज़ेदार है। मेरी गारंटी है कि आपकी फैमिली में ये सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैकेट जितना सूजी लिया है, इसमें पानी डाल देंगे, इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये मैं पानी निकाल कर लेकर आती हूँ फ्रेंड्स। तो ये मैंने पानी निकाल दिया है और अब मैं हरी मिर्च, प्याज और हरा धनिया बारीक काट लूँगी। यहाँ पर मैंने ये चॉपर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो चाकू से भी इसको बारीक काट सकते हैं। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हरी मिर्च जो मैंने यूज़ की वो ज़्यादा तीखी नहीं है। तो यहाँ पर इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी जितना दही, और ये जितना भी धनिया और प्याज हरी मिर्च मैंने चॉप की है वो इसमें हम डाल देंगे। बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर दिख रहा है इसमें। अब यहाँ टेस्ट को इन्हांस करने के लिए हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। तो आप जितना नमक खाते हैं उसके हिसाब से नमक एडजस्ट कर लीजिए। इसमें सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कर देंगे कवर और रख देंगे साइड में 10 से 15 मिनट के लिए। और इसके साथ सर्व करने के लिए आप तब तक अपनी चटनी भी, चाहे मूंगफली हो या नारियल की, तैयार कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर पूरे बैटर का इस्तेमाल एक साथ नहीं करने वाली हूँ, इसलिए थोड़ा बैटर का इस्तेमाल करूँगी और मैं उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए। अच्छे से सूजी फूल गई है दही के उसमें ही। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि और पानी ऐड करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून जितना पानी ऐड किया है। और उसी पानी के अंदर हम थोड़ा सा डाल देंगे फ्रूट सॉल्ट यानी कि इनो पाउडर, जो कि इजीली हमारे घर में अवेलेबल होता है। और ये पानी में डालने से एक्टिवेट हो जाता है और इसको ये कर देगा अच्छे से फ्लफी। इसको हल्के हाथ से हम मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो सारे बैटर में एक साथ मिला सकते हैं, पर मुझे थोड़ी देर के बाद बनाना है इसलिए मैंने थोड़े बैटर में इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने पैन गैस पे रख दिया है अपने पैन, और थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल डाल देंगे। ये नॉन स्टिक पैन है इसलिए ज़्यादा ऑयल की इसमें ज़रूरत नहीं है, और इसकी कैविटी को हम अपने बैटर से भर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे घर में सभी को बहुत ही पसंद आता है ये ब्रेकफास्ट, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इंस्टेंट है और आप, मुझे पूरा भरोसा है कि आपके घर में हर फैमिली मेम्बर को ये पसंद आने वाला है। तो इसको हम कवर कर देंगे, एक साइड से सिकने देंगे। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है, अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो सिम पर थोड़ी ज़्यादा देर तक पकाइए। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए, बच्चों के लिए बना रहे हैं, ज़्यादा कड़क नहीं चाहिए, तो कम टाइम पर के लिए इसको रखेंगे तो ये सॉफ्ट भी बनते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मूंगफली की चटनी और ड्राई चटनी के साथ इसको सर्व किया है, जो कि आप मेरे चैनल पर विजिट करके नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी और ड्राई चटनी देख सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। नई रेसिपी आप क्या देखना चाहते हैं जल्दी से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही आप नई रेसिपी क्या देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो नई रेसिपी के साथ